सोने नहीं चांदी नहीं देवरों की बात नहीं, सोने नहीं चांदी नहीं देवरों की बात नहीं, राष्ट्रवादी टेवरों से आज तौल दीजिए। शाहरुख सलमान आमिर अजय नहीं, शाहरुख सलमान आमिर अजय नहीं, बच्चों में भगत के संस्कार घोल दीजिए। सहमत हो विचारों से अगर आप सब, एक बार आप दोनों हाथ खोल दीजिए। चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, भगत सिंह को तुम जो करने जा रहे हो गलत करने जा रहे हो, वो एक आत्मघाती हमला है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन भगत सिंह जी नहीं मानते हैं, वो बोलते मैं ऐसा करूंगा। उसके पीछे कारण क्या रहता है, मैं कल्पना करने की कोशिश किया हूँ। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त आ गया था देह छोड़ना जरूरी था। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त आ गया था देह छोड़ना जरूरी था। आजादी की ज्वाला हर मन में जलाने हेतु बहती हवा का रुख मोड़ना जरूरी था। जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, कण कण को कड़ी में जोड़ना जरूरी था। शंखनाद हो जाएगा प्राण रे के इसलिए, संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। शंखनाद हो जाएगा प्राण रे के इसलिए, संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। चंद्रशेखर आजाद जी के पास जीते थे, अंग्रेजी सरकार जाने पाती है, उनके आर्मी नहीं जा पाती, उनकी सेनाएं नहीं जा पाती है, लेकिन उनको अल्फ्रेड पार्क में जब घेर लिया जाता है, तब उनके मृत्यु के बाद वो लोग एक पास दबे पांव से जाते हैं, उसके बाद वो लोग फोटो खिंचाते हैं वहां पर जाके। तो ऐसा वो कल्पना में रखता हूँ आपके बीच में कि शिवा राणा शंभूराज सिखों की कहानी सुन रहे, लोरियों में देशभक्ति पाकर बड़े हुए। राष्ट्रवादी देवर थे बलिदानी देवर थे, दुश्मनों के आगे वो ढाल बन अड़े हुए। चूर हुआ अभिमान पाल रखे थे गुमान, चूर हुआ अभिमान पाल रखे थे गुमान, पत्थरों के आगे कच्ची मिट्टी के घड़े हुए। जश्न मना रहे स्वान खोखली इस जीत का, तो सो गया था शेर तब जाकर खड़े हुए। जश्न मना रहे स्वान खोखली इस जीत का, तो सो गया था शेर तब जाकर खड़े हुए। जब जब याद आए गुलामी की दास्तां, तो शेखर भगत की कहानी याद आएगी। उधम सुहास और अशफाक खुदीराम बिस्मिल जी जैसी जवानी याद आएगी। झोली झोली शीश दिए माओ ने है भेंट किए, झोली झोली शीश दिए माओ ने है भेंट किए, पन्ना धाए वाली वो कुर्बानी याद आएगी। झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे, तो रण चंडी काली व भवानी याद आएगी। झांसी वाली गाथा कहीं कभी जो सुनाई दे, तो रण चंडी काली व भवानी याद आएगी। एक पुलवामा के बारे में बात चल रही थी, बेटे का पार्थिव शरीर घर आता है, तो पिता बेटे पत्नी और माँ के अंदर जो कल्पना होती है, मैं उसको रखता हूँ कि रुक जाओ, पिताजी क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ अभी मत लेके जाओ लाडले को, रुक जाओ अभी मत लेके जाओ लाडले को, गौरवशाली गाथा भी सुनना बाकी है। रुक जाओ अभी मत लेके जाओ लाडले को, गौरवशाली गाथा भी सुनना बाकी है। तब बेटा बोलता है, पिताजी के पैरों पर गिरकर बोल पड़ा, अभी पिताजी के कांधों पर घूमना बाकी है। पिताजी के पैरों पर गिरकर बोल पड़ा, अभी पिताजी के कांधों पर घूमना बाकी है। पत्नी बोलती है, जी भर के देखने दो वीर मेरे प्राणनाथ, जी भर के देखने दो वीर मेरे प्राणनाथ, भाल का सिंदूर लाल अभी धुलना बाकी है। तो माँ बोलती है, तीन रंग ओढ़ कर आया है जी लाल मेरा, लाल का कपाल अभी चुमना बाकी है, लाल का कपाल अभी चुमना बाकी है। लेकिन अगर बेटा बोल पाता तो बेटा क्या बोलता, बेटा अगर बोल पाता तो बेटा बोलता, काम कुछ शेष है मनुज को आशीष दे मसीह सी दहाड़ में निनाद बन आऊंगा। भूख कर जा रहा हूँ पांच जन्य फिलहाल, भूख कर जा रहा हूँ पांच जन्य फिलहाल, पाठ का मैं फिर शंखनाद बन आऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद कह के शहीद हुए, इंकलाब जिंदाबाद कह के शहीद हुए, राजगुरु भगत आजाद बन आऊंगा। जन्म यदि मिला मुझे फिर इस माटी में, तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा।
मिला मुझे फिर एक माटी में तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा। कीमत चुकाई है जो लाडलों के खून से तो जाफर बहादुर के दाम को प्रणाम है। कीमत चुकाई है जो लाडलों के खून से तो जाफर बहादुर के दाम को प्रणाम है। धन्य धन्य कोख वो जो कोख बलिदान की थी कोख नहीं उस तीर्थ धाम को प्रणाम है। बुरहान वाणी को मारने वाले औरंगजेब की बात कर रहा हूँ मैं। धन्य धन्य कोख वो जो कोख बलिदान की थी कोख नहीं उस तीर्थ धाम को प्रणाम है। भारत की शान है जो अद्भुत विज्ञान है जो भारत की शान है जो अद्भुत विज्ञान है जो पोखरण नायक के काम को प्रणाम है। पोखरण नायक के काम को प्रणाम है। हिंदू या मुसलमान के प्रणेता महान बने घुंघराले बाल के कलाम को प्रणाम।